पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ले जाकर के, और ट्रेनिंग देने के बाद वापस आकर के कहा तुम अपने घर में रहो, आराम से अपना व्यवसाय करो, अपनी नौकरी करो, अपने बीवी बच्चों को पालो, आसपास के लोगों को किसी को पता भी नहीं करना चाहिए कि तुम किसके क्या हो, और कोई संपर्क भी नहीं होगा। लेकिन एक निश्चित मूवमेंट पे तुमको बता दिया जाएगा कि ये काम करना है, और उस दिन तुमको वो काम करना, और वो करते हैं। ऐसा आता है जिस दिन उनके पास में ऐसी स्लीपिंग सेल्स, इनको नाम दिया स्लीपिंग सेल्स, ये योजना बनी। जैसे मोहम्मद ने ये योजना बनाई थी, और आईएसआई ने जब मुशर्रफ आईएसआई का प्रमुख था तब इस योजना को उसने लागू किया था। और उसके बाद में एक आसाम के अंदर एक आतंकवादी पकड़ा गया जो अंधा था, उसके इंटरोगेशन में पता चला कि भारत में 800 ऐसे स्लीपिंग सेल है। उसका काम ही ये था, वो आया था आसाम में इसलिए कि युवाओं में से, मुस्लिम युवाओं में से धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, और भड़काने के लिए गुजरात का बड़ा उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग गुजरात दंगों का किया जाता है। झूठी झूठी बातों को लेकर के तो बातें अब सिद्ध हो रही थी झूठी है, चाहे वो बेच बेचने वाली केस हो, चाहे वो उस महिला के गर्भ को फाड़ करके सूली के वो बालों के ऊपर कामना वालना, पता नहीं क्या 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 वर्णन किए गए, और इसके एफिडेविट दिए गए, और उसके बाद में पता चला कि ये सारा का सारा झूठ था, झूठी कमाई थी, ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किसने किया, उस डॉक्टर ने बाद में कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एसआईटी को पता चला, राघवन की रिपोर्ट बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसी कारण राघवन की रिपोर्ट को दबा करके रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट आरटीआई के द्वारा बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी और पता चलेगा कि यह सारा का सारा गलत और झूठा प्रोपेगेंडा। और मुस्लिम युवाओं को यह दिखा करके देखो किस प्रकार तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और इसके विरुद्ध लड़ने के लिए तुम चलो, ऐसा पकड़ करके, और उनको वो सीढ़ी मैंने देखी है जो सिमी उपयोग में लाता है, सीढ़ी इतनी इतने गंदे तरीके से उसको दिखाया जाता है, और इतना झूठ का प्रचार किया जाता है कि उसको दिखाकर के कोई भी इसके आईआईटी में पढ़ने वाला इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग क्या हुआ व्यक्ति, और वो बदल जाता है। लंदन में जो लंदन में जो बम विस्फोट हुआ था मेट्रो के अंदर, उसके अंदर जो जिसको पकड़ा गया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच में उस सीढ़ी को प्रचारित किया गया, मेरे पास वहीं से बैंगलोर से आई उसे, और उस सीढ़ी के अंदर सारी बातें दिखाई, इस बार प्रकार सारी बातें दिखाई है कि वो हाथ में भड़क जाता है, और फिर उसको पकड़ करके ले जाते और उसको स्लीपिंग सेल बना दे। अब मैं ये सारी बात बता रहा हूं तो अपने में से कुछ लोगों के मन में आ सकता है विचार, जीवन व्यक्ति का व्रत ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर अपने संस्कार को चलाने से क्या होगा। अब इनसे लड़ना है तो फिर तो उसके लिए अलग प्रकार की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी है? तो ध्येय एक है, भारत माता की सेवा करना, लेकिन मन में मार देते तो बहुशाखा संभावना है, नहीं है क्या संभावना है ना? मेरे भी आता था मन में, आप में से भी कई लोगों के मन में आता होगा, मुझे पता है। ये बातें जो होती है, इन बातों से मन में भेद उत्पन्न होता है और कुछ नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसा कार्यकर्ता स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, तो उसकी परिणामकारिता समाप्त हो जाती है। वो कार्य तो बहुत करता है लेकिन कार्य परिणामकारी नहीं होता है क्योंकि बुद्धि में भेद उत्पन्न हो गया। इसलिए प्रत्येक के जीवन का ध्येय एक हो सकता है, एक जीवन में 50 बातें नहीं कर सकते, ये भी आवश्यकता है। आने वाले समय में सिविल वॉर होने की संभावना है, गृह युद्ध होने की संभावना है, ये स्पष्ट है। घर घर में, गली गली के अंदर और लड़ाई हो सकती है, जैसी विभाजन के समय लाहौर में और बाकी सारे प्रांतों में हुई थी, सिंध में हुई थी, कराची में हुई थी, नौखाली में हुई थी, और सभी जगह पर हुई थी, वही स्थिति 2030 तक आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इस प्रकार की तैयारी की जा रही, 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आ जाए, और उन 2 करोड़ बांग्लादेशियों को कार्ड देने की तैयारी हो चुकी है। उनको ये जो यूआईडी शुरू हो गया है, यूनिफाइड आइडेंटिटी कार्ड, उस यूनिफाइड आइडेंटिटी कार्ड के अंदर उनको कार्ड मिल जाएगा, फिर उनको बांग्लादेशी ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, और 2 करोड़ से 11 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है 2030 तक भारत में बांग्लादेशियों की संख्या, बांग्लादेशियों की संख्या 11 करोड़ हो जाएगी, यह अनुमान। और सारे भारत में उनको व्यवस्थित ढंग से फैलाया जा रहा है, पूरी तैयारी के साथ है कि 2030 में गृह युद्ध होगा,